प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनके मैडम संस्कृत टीचर कक्षा सातवीं। आज मैं आपको एकाविंशा पाठ सूक्त यहाँ इस पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले एक पदे यानी एक शब्द में एक वाक्य पूरे वाक्य में उत्तर देना, उसके बाद व्याकरण समझना। देखिए, एक पदे उत्तर, कहा परमो धर्मः, तो कहा प्रश्न है, इसके स्थान पर आपको लिखना है आचारः परमो धर्मः। एक शब्द में देना है तो इसका उत्तर होगा आचारः। ख नंबर, विपरीत बुद्धि कदा भवति, इसमें कदा प्रश्न है, यहां पर लिखना है विनाश काले, उत्तर में आएगा एक ही शब्द में विनाश काले। ग नंबर, कूप खंडम कदा न युक्तम, प्रदीप तेव हेम का ग्रहे, कदा के स्थान पर लिखना है। घ नंबर, केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो केन के स्थान पर लिखना है उद्मेन। पांचवा नंबर, किम सर्वत्र वर्जिये, तो किम के स्थान पर आपको लिखना है अति, अति सर्वत्र वर्जिये। ये थे एक पदयन उत्तर। अब आपको लिखना है एक वाक्य, एक वाक्य समझिए। एक वाक्य उत्तरम, कानी परेशान न समाचरे, तो कानी पूरे वाक्य में देना है, कानी के स्थान पर आएगा आत्मना प्रतिकूलानी। ख नंबर, संसर्गजा के भवंती, के प्रश्न है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। ग नंबर, सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, किम प्रश्न है, इसके स्थान पर आएगा वाग भूषणम, सर्वोत्तम भूषणम वाग भूषणम अस्ति। रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान वसुदेव कुटुंबकम, खाली स्थान में आएगा उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। खा हितम मनोहारी चा, खाली स्थान बचा, इसमें आएगा दुर्बलम। ग नंबर, आत्मना खाली स्थान परेशामना समाचरे, तो इसके स्थान पे आएगा प्रतिकूलानी, क्या आएगा प्रतिकूलानी। घ नंबर, न खाली स्थान युक्तम प्रदीप्यते बहिन्न ग्रहे, इसमें आएगा कूप खननम। ग नंबर, विनाश काले खाली स्थान, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उचित पद में नवरू सही जोड़ी बनाना है आखंड की बाखंड से। संसर्गजा, इसमें आएगा दोष गुणा भवंती। ख नंबर, उदार चरिता नाम तू, इसमें आएगा वसुदेव कुटुंबिकम। गा विनाश काले, इसमें आएगा विपरीत बुद्धि। घा आत्मना प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरेत, इसमें आएगा एक बचा अति सर्वत्र वर्जयेत। समानार्थी शब्द लिखना है, इसी के समान अर्थ देने वाले शब्द लिखना है। बहन ना, इसका संस्कृत में होता है पर्यायवाची या समानार्थी अग्निना यानी आग, युक्तम सहितम उद्यमे परिश्रमे, वसुधा पृथ्वी, पर संस्कृत का पृथ्वी कैसे लिखा जाता है, पूरा था आएगा छोटी की मात्रा आएगी उसमें और वाम में बड़ी की मात्रा भी, ऐसा लिखा जाएगा संस्कृत में। अनुदार चरिताम, चरिता नाम, इसमें आएगा उदार चरिता नाम, ये विलोम शब्द बताया है, पहले मैं बता नहीं पाई, सुन लीजिए, वो मैंने समानार्थी, अब जो बताने जा रहे हैं वो है विलोम शब्द। प्रश्न छठवा, तो अनुदार चरिता नाम, इसका आ जाएगा उदार चरिता नाम। अनुकूलानी, इसका विलोम होगा प्रतिकूलानी। सुलभम, इसका विलोम होगा दुर्विलम। आलस्य, इसका विलोम होगा परिश्रमेण। समृद्धि काले, इसका होगा विनाश काले।
इसके बाद वाला देखिए आम और ना। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखना है। तो देखिए संसर्गजा दोष गुणा ना भवंती, तो इसमें आएगा ना, क्योंकि इसमें ना और जुड़ा हुआ है इसलिए, नहीं तो आम आता, तो इसको ना कर लीजिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, इसमें भी ना ही आएगा। बाप भूषणम भूषणम ना अस्ति, तो इसमें भी ना आएगा। अति सर्वत्र न बढ़िए, तो इसमें भी ना आएगा। कार्याणि मनोरथे सिद्ध्यन्ति, इसमें भी ना आएगा। ये सभी में ना आया है। संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम क्रूर, संस्कृत में हमें वाक्यों, इन सब दिए गए शब्दों का संस्कृत में वाक्य बनाना है। तो देखिए खलु सह खलु अत्र आगच्छेत्, सततम श्रम कारणे सफल्यम भवति, ग्रहे ग्रहे सति का मित्रम भवति, बुद्धि विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब प्रश्न निर्माण करना है। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है वहां पर हमें प्रश्न बनाकर लिखना है। अति, अति का हो जाएगा का, इसके स्थान पर का लिखना है, तो प्रश्न बन जाएगा का सर्वत्र वर्जिये। खानम पर आचारा परमो धर्म, तो आचारा इसके स्थान पे का छोटा का और विसर्ग कहा परमो धर्म। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यमेन तो इसमें आएगा के में प्रश्न बन जाएगा। घनमर उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम, तो उदार चरिता नाम तू इसमें आएगा केशम, तो ये प्रश्न निर्माण हो गए। तो एक पदय और एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर भी हो गए और व्याकरण भी समझा दे, आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।